हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आप सबका स्वागत है। जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। बेसिकली हम कल का लेक्चर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर वन में मैंने आपको बताया था कि हम इंडियन थिंकर्स शुरू करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि इंडियन थिंकर्स को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपके साथ शुरू किया था, विच वॉज कि कैसे दो परस्पेक्टिव्स, कॉलोनियल परस्पेक्टिव, अंग्रेजों का परस्पेक्टिव या जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया उनका परस्पेक्टिव इंडियन सोसाइटी के प्रति डेवलप हुआ, कैसे उन्होंने हमारे बारे में विचारधारा बनाई, दे मेड थिंकिंग अबाउट अस। और उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी, कैसे नेशनलिस्ट ने या हमारे लोगों ने उस चीज को क्या किया, काउंटर भी किया और अपना अलग परस्पेक्टिव दिया। ठीक, इस बात को बताते टाइम इंडियन सोसाइटी को डिस्कस करने की हमने शुरुआत की है। इंडियन सोसाइटी, ठीक, उसको हमने परस्पेक्टिव्स के थ्रू शुरू किया था, परस्पेक्टिव्स। ठीक, तो हमने ट्रेसिंग की थी कि हम ज्यादा, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे और बहुत ज्यादा मॉडर्निटी की तरफ नहीं फोकस करेंगे। वी डिस्कस्ड स्टार्टिंग के ऊपर हमने दो परस्पेक्टिव्स के ऊपर फोकस किया, कॉलोनियल एज वेल एज नेशनलिस्ट। ठीक, ये दो परस्पेक्टिव हमने एम्प्लॉय किए इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉलोनियल परस्पेक्टिव वाज एम्प्लॉयड, इट वाज बेसिकली आउटसाइड आई इंडिया की तरफ, इट वाज आउटसाइड आई। और नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव वाज इनसाइड। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि इंडियन सोसाइटी के हमने तीन डिस्टिंक्ट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की है। एक है विलेज, सेकंड इज फैमिली सिस्टम इन इंडिया, एंड द फाइनल वाज इंडियन कास्ट सिस्टम। ठीक है जी, इस दो, इन विलेज के बारे में, फैमिली के बारे में मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स का व्यू पॉइंट आपके साथ पिछले लेक्चर में शेयर किया था। आज मैं उसी चीज को कंटिन्यू करके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कास्ट सिस्टम, हाउ कास्ट सिस्टम वाज डिपिक्टेड बाय कॉलोनियल्स एज वेल एज नेशनलिस्ट, उसकी हम बात करेंगे। और एक और दो तीन चीजें हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे लेकर आए। ठीक, ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम। हम उतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बेसिक आइडिया क्या था उनका कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज इस लेक्चर के अंदर हम चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स के ऊपर बात करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। आई होप ये टॉपिक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल एज जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में लेकर, ठीक, इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक, तो कास्ट सिस्टम, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इंडिया के अंदर, दे विटनेस यूनिक सीन, जो यूनिक है, वेरी यूनिक, बहुत ही यूनिक है, कहीं पे भी और वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक, दे विटनेस हायरार्किकल सिस्टम। ठीक, बेसिकली देखते हैं ये यूनिक है वर्ल्ड में और कहीं पे भी नहीं है। ठीक, ये हायरार्की है इसके अंदर, हायरार्की बेस्ड। ठीक, फिर और तो रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक, रिजिड एज वेल एज स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक, देर आर सम प्रोविजंस इन दिस बेस्ड ऑन बर्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक, इंसान कौन सी कास्ट का होगा, उन्होंने देखा कि ये बर्थ के साथ कनेक्टेड चीज है, एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल लिंक है इसका, ऑक्यूपेशनल लिंक।
ठीक है जी। इस चीज के साथ साथ और क्या क्या है कास्ट सिस्टम के अंदर, वी विल फाइंड देयर आर सम थिंग्स, सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, रिस्ट्रिक्शंस चाहे वो मैरिज के लिए हो, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी, चाहे वो डाइनिंग की हो, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने की बात हो, देयर वाज समथिंग कॉल्ड अनटचेबिलिटी, ये भी उन्होंने देखा एग्जिस्ट कर रही थी अनटचेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये उनका पर्सपेक्टिव बना, उन्होंने बताया, अभी तक मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले कास्ट सिस्टम के अंदर दे सेड देयर आर फोर मेजर कास्ट, कौन कौन सी हैं, वी ऑल नो एट द टॉप इज, टॉप टू बॉटम लिखूंगा मैं, टॉप पे कौन आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, ब्राह्मण्स, हाँ जी। उसके बाद कौन आते हैं, देन कम्स क्षत्रियास, देन कम वैश्यास, एंड द लास्ट इज, मैं यहां बॉटम लिख देता हूं, एंड द लास्ट कंसिस्ट ऑफ शूद्रास, ठीक है जी। तो उन्होंने ये फोर फोल्ड डिवीजन बताई कास्ट सिस्टम के अंदर कि देयर आर फोर मेजर कास्ट, एक का, एक को ब्राह्मण्स हैं, दूसरे क्षत्रियास हैं, तीसरे वैश्यास हैं, एंड फोर्थ आर शूद्रास, ठीक। अगर बेसिकली बात करें तो वी कैन से दिस इज प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली क्लास, ठीक, दिस इज रूलिंग क्लास या वॉरियर क्लास, वॉरियर्स हैं इसके अंदर या रूलिंग पार्ट क्लासेस बोल सकते हैं, ठीक। दीज आर बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस, एंड द फाइनली शूद्रास कौन है, वर्किंग क्लास, ठीक है जी। इतना उन्होंने डिपेक्ट किया कि कौन कौन सी कास्ट है इनके अंदर, क्या क्या लोग हैं, कैसे वो बटे हुए हैं, बेस्ड ऑन बर्थ है, आप ये कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन थी ओवरसीज जाने की, ओवरसीज जाना प्रोहिबिट था, ओवरसीज ट्रेवल नॉट अलाउड, कारण था इसका, कारण क्या बताते थे कि इफ अ पर्सन क्रॉसेस द सी एंड ही विल लूज हिज कास्ट। अगर हम महात्मा गांधी जब डिस्कस करेंगे, वी ऑल नो द इंसिडेंट वेयर महात्मा गांधीज मदर इज नॉट इन द फेवर ऑफ महात्मा गांधी गोइंग टू साउथ अफ्रीका, बिकॉज गोइंग टू अदर कंट्री या मतलब समुंदर क्रॉस करके जाने का मतलब है आप अपनी कास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक। देर आर मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो सकती, पर्सन बिलोंगिंग टू क्षत्रिय कैनॉट मैरी वैश्य या शूद्र, देर वर डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन जेंडर एज वेल, ठीक। अच्छा, अगर क्षत्रिय है वो लोअर कास्ट लड़की के साथ शादी कर सकता है, बट गर्ल कैनॉट बी, मतलब ऑपोजिट नहीं हो सकता, ठीक। देर वर अलग अलग जगहों पर डिफ्रेंसिएशन बहुत आ जाती है, लेकिन हम बेसिक आइडिया कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या किया, विटनेस किया, ठीक। मेनी अदर थिंग्स वर आल्सो देयर, जो डिस्क्रिप्शन है इनकी कि ये जो कास्ट सिस्टम है इट वाज परपेचुएटेड बाय ब्राह्मिन्स, ब्रिटिशर्स का ये मानना था, बिकॉज दे हैड कंट्रोल ऑन एजुकेशन, इनका एजुकेशन के ऊपर क्या था, कंट्रोल था, ड्यू टू देयर अथॉरिटी ओवर स्क्रिप्चर्स, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर ब्राह्मिन्स का क्या था, कंट्रोल था, ठीक। दैट इज व्हाई ऑल दिस थिंग वाज प्रिसाइसली कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मिन्स, बिकॉज़ दे हैड कंट्रोल ओवर एजुकेशन, ठीक है जी। लोअर स्ट्राटा के ऊपर शूद्रज आते थे, रिस्ट्रिक्शंस वर इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द स्ट्राटा, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, शूद्रास के ऊपर थी। देयर वर फर्दर कास्ट, जैसे वी विल डिस्कस इन द लेटर स्टेजेस, जैसे चंडाल्स हैं, देयर वर सच कास्ट जिनके साथ इनहेरेंट बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी और अदर रिस्ट्रिक्शंस प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक। अनटचेबिलिटी बिकेम द मेजर
कॉर्नरस्टोन इन द फ्रीडम मूवमेंट एज वेल. बहुत से लोगों ने इसके प्रति आवाज उठाई. देयर वर टू काइंड ऑफ व्यूज रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इन नेशनलिस्टिक मोड. ठीक, तो इस पर्सपेक्टिव की अब हम बात करने वाले हैं कि हाउ नेशनलिस्ट व्यूड द कास्ट सिस्टम. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, मूविंग अहेड आई एम गोइंग टू टेल यू नेशनलिस्ट कैसे व्यू करते थे कास्ट सिस्टम. ठीक है जी, तो मैं इसको रन कर रहा हूं. तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल जो कास्ट सिस्टम को, हमारे अपने लोग जो इस कंट्री का पार्ट थे, जो कास्ट सिस्टम के लिए जो व्यूज रखते थे. मैं प्राइम एग्जांपल बना सकता हूँ महात्मा गांधी एंड वी आर अम्बेडकर. ठीक, देर वर टू काइंड ऑफ पीपल. एक जो कास्ट सिस्टम के लिए बोलते थे टोटली डिसमेंटल कर देना चाहिए, शुड बी डिसमेंटल, टोटल डिसमेंटलिंग should be totally dismantled. ठीक, और कुछ बोलते थे over and over caste system बुरी चीज नहीं है, only untouchability should be removed from caste system. From caste, ठीक, and some of the view it is perfectly fine system. तो तीन हमने ये बड़े views किए. We know that एक somewhere of the view that caste system should be totally dismantled. There is no need of such provision. कुछ लोग इस चीज को, इस थॉट के ऊपर प्रमोशन कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द प्रोपोनेंट. बी आर अम्बेडकर, ठीक, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस बी आर अम्बेडकर हम पूरी डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक, तो महात्मा गांधी ये मानते थे, महात्मा गांधी वॉज ऑफ द व्यू कि कास्ट सिस्टम बुरी चीज नहीं है, ओवर एंड ओवर कास्ट सिस्टम सही चीज है, बस इसमें से हमें अनटचेबिलिटी रिमूव करनी पड़ेगी. ठीक, टेंपल्स ओपन करने पड़ेंगे अनटचेबल्स को, या लोअर कास्ट को टेंपल्स एंट्री अलाउड नहीं थी, टेंपल एंट्री प्रमोट करनी पड़ेगी. ठीक, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करनी पड़ेगी. ठीक, लेकिन ही वॉज ऑलवेज स्टॉन्च बिलीवर ऑफ कास्ट सिस्टम. ही इवन सेड कि कास्ट सिस्टम डायरेक्टली कोरिलेट्स विद हिंदुइज्म. इफ कास्ट सिस्टम, इफ हिंदुइज्म नीड्स टू सर्वाइव देन अनटचेबिलिटी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिंदुइज्म. इनका ये मतलब था. एंड ही इनहेरेंटली सपोर्टेड सम ऑफ द थिंग्स, जिसके लिए इनके व्यूज कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहते हैं. ही सपोर्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरकास्ट मैरिजेस, रिस्ट्रिक्शंस on intercaste marriages, on marriages as well as dining, marriages plus dining. Gandhi ji is cheez ke favor mein the ki ye intercaste marriages aur dining, inter dining ke favor mein the ki ye allowed nahi honi chahiye. So there are various schools of thought and kuch log to mante the ki everything is fit and fine, there is no requirement of any change. ठीक, तो वी हैव रीच्ड 2020 में माल आ चुके हैं. आज भी कास्ट सिस्टम का ग्रिप बहुत स्ट्रांगली इस कंट्री के ऊपर वर्क करता है. ठीक, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस महात्मा गांधी एज वेल एज वी आर अम्बेडकर. ठीक, तो इसको हम और डिटेल के अंदर भी क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले. ठीक, तो ये हमारे पर्सपेक्टिव था हमारे लोगों का. देयर वर मेनी रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ चली, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट चली, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट चली. महात्मा गांधी गेव अ न्यू नेम टू दीज पीपल जिनके साथ ये प्रैक्टिस किया जाता था, एंड ही कॉल्ड देम हरिजन्स, हरिजन्स कॉल्ड बाय महात्मा गांधी. ठीक, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चली, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स
ठीक, तो ऑल दीज थिंग्स वाज हैपनिंग इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम इन द इंडिया. ठीक, आई होप ये आपको ब्रॉडली ये चीजें समझ में आ गई होंगी. मूविंग अहेड हम बात करने वाले हैं व्हाट वर द चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया विच हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. ठीक है जी, मैं रब कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा. तो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश विच हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. चेंजेस, तो भयंकर से लेके बहुत बड़ी से बड़ी लेके और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इस कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस की, जिसके बहुत फार रीचिंग क्या थे इफेक्ट से. सबसे पहले मैं चेंजेस लिखूंगा, देन आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट वर देयर इफेक्ट. ठीक, तो चेंजेस हम शुरू करें. लैंड वॉज मेड अ कमोडिटी, जमींदारी सिस्टम, जमींदार इनकी वजह से एग्जिस्ट हुए. जमींदारी सिस्टम, ठीक, रियात, जमींदारी, महलवारी, रियातवारी, ये सिस्टम जिन्होंने लेकर आए थे, महलवारी या रियातवारी. महलवारी, थ्री टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स ब्रिटिशर्स ने क्या किए, इंट्रोड्यूस किए. जमींदारी सिस्टम के अंदर देयर वाज प्रेवलेंस ऑफ जमींदार, जिनको ब्रिटिशर्स एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे और उनकी जिम्मेवारी होती थी उस लैंड पे लोगों से खेती करवाते थे, एग्रीकल्चर करवाते थे, एंड दे हैड टू, जमींदार हैड टू पे रेंट टू रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स. एक फिक्स्ड अमाउंट थी तो जमींदार पे करते थे, वास्ट पीस ऑफ लैंड इनको दे दिया जाता था. जमींदार के अंदर फर्दर और लोग हो जाते थे, देयर वर नंबर ऑफ एंटिटीज जो फर्दर ऐसे करके जिनको लैंड का पीस दे दिया जाता था, जो फर्दर क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे. एंड फाइनली ईच पर्सन कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट या वर्कर या जो जो भी किसान था. और ये सबसे ज्यादा क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था. इट वॉज मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम. कारण हर कोई अपना अपना प्रॉफिट रख के आगे रेंट दे रहा था फाइनली, तो जिसके कारण सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स की इसकी वजह से हो रही थी. ठीक, रियातवारी सिस्टम, महलवारी में विलेज वॉज कंसिडर्ड, विलेज मेड यूनिट ऑफ रेंट कलेक्शन. एक विलेज को यूनिट बना दिया गया रेंट कलेक्ट करने का. रिलेटिवली लेस एक्सप्लॉयटेटिव था, कारण ब्रिटिशर्स ने एक गांव को यूनिट बना दिया कि इस गांव से इतने रेवेन्यू लेने हमने. ठीक, फर्दर गांव कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, ब्रिटिशर्स को इस चीज से मतलब नहीं था. तो विलेज हेडमैन रेंट कलेक्ट करके देता था लोगों से, रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था. ठीक, अगर किसी के पास नहीं है तो विलेज हेल्प कर देता था. तो रिलेटिवली इंडिविजुअल के लिए लेस एक्सप्लॉयटेटिव था, लेस एक्सप्लॉयटेटिव. ठीक है जी, और रियातवारी के अंदर इंडिविजुअल जो लैंड यूज कर रहा था रियात, ब्रिटिशर उसी से क्या लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, जिसकी वजह से लैंड बिकेम सेलेबल. अगर उससे रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा, उससे उसको लैंड बेचने की परमिशन थी, ही यूज टू सेल द लैंड टू गिव इट एंड ही बिकम लैंडलेस लेबरर. और जो इंडिया में आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ब्रिटिशर्स की एक चेंज क्या होगी, लैंड बिकेम सेलेबल कमोडिटी. लैंड बिकेम सेलेबल कमोडिटी, सेलेबल कमोडिटी. और रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे लोग अंग्रेजों की ग्रीड के कारण, बिकॉज रेवेन्यूज वर इंक्रीज स्टेडिली, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, लैंडलेस हो गए, लैंडलेस. ठीक, दे जस्ट बिकेम लेबरर, दे बिकेम लेबरर्स, दे लॉस्ट द राइट टू देयर लैंड. ठीक है जी, तो ये चेंजेस ब्रिटिशर्स लेकर आए. दे क्रिएटेड लॉ कोर्ट्स. इस देश के अंदर लॉ कोर्ट्स का कोई रूल नहीं था. एवरी विलेज, एवरी स्पेसिफिक एरिया हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस. ब्रिटिशर्स आ गए, उनको हमारा सिस्टम ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा. दे सेड देयर शुड बी लॉ कोर्ट्स. तो भाई पावर टू डिस्पेंस जस्टिस इनके इनके पास चली गई. दीज वर नॉट इल इक्विप्ड टू हैंडल इंडियन सिचुएशंस.
ill equipped to handle Indian situations, जिसके कारण करप्शन वगैरह बहुत सी शुरू हो गई. ठीक, ऑल्दो लॉ कोर्ट्स ने रिजल्ट क्या दिया, देयर वाज स्टडी पीपल, जो हमारे पास लॉयर्स बहुत सारे आ गए, वी गेट क्रीम ऑफ लॉयर्स, जो फर्दर यही लॉयर फर्दर फ्रीडम मूवमेंट में क्या लिया, उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, फ्रीडम मूवमेंट पार्टिसिपेशन. हम वी नो कि बहुत सारे जो बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर बेसिकली लॉयर्स. ठीक, तो लॉयर्स बहुत सारे कोर्ट्स की वजह से हुए, जिसकी वजह से वी गॉट इंटेलेक्चुअल पीपल इन द आर फ्रीडम मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल्स. ठीक, तो ये लॉ कोर्ट्स की वजह से सिंगुलर सिस्टम हो गया, और ये ऑप्रेसिविटी से उन्होंने करप्शन वगैरह भी ब्रीड की. ठीक है जी, अलॉन्ग विद दैट अदर थिंग्स देयर वर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, जिसमें कॉलेजेस आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं. ठीक, देयर मोटिव वाज ब्रिटिशर्स वांटेड टू हैव इंडियंस, इनका मोटिव क्या था, इंडियंस जो ब्रिटिश इन माइंड हैबिट्स एंड एटीट्यूड, जिनके साथ इनको वर्क करना क्या हो जाए, इजी हो जाए. ठीक, इनका पर्पस क्या था कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इनको ऐसे पॉलिश करो कि हैं तो ये इंडियंस, लेकिन इनकी आदतें, इनका माइंड, इनकी हैबिट्स कैसी हो जाए, ब्रिटिशर्स की तरह हो जाए, सो दैट वी कैन एम्प्लॉय दीज इंडियंस इनटू देयर मशीनरी. ठीक, ये इनका पर्पस था, लेकिन रिजल्ट ऑपोजिट निकला. रिजल्ट वॉज वी गॉट स्टूडेंट्स हु वर एबल टू एनालाइज, स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे थे, इनकी सिचुएशन को, इनके रूल को एनालाइज कर रहे थे. दे ऑल्सो हैड एक्सेस टू द सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके खुद के सिस्टम्स वो स्टडी कर रहे थे, एंड दे केम टू नो दैट ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग अस, एंड दी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन आर फ्रीडम मूवमेंट. ठीक, तो ऐसी और भी बहुत सारी चेंजेस ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आए. दे वर द क्रिएशन क्रिएटर्स ऑफ रेलवे सिस्टम इन द इंडिया, दे क्रिएटेड रेलवे सिस्टम. तो रेलवेज की इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सिटीज सेंटर्स, ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिशर्स, एंड वी समटाइम फील कि इन्होंने हमारे ऊपर जैसे कोई गिफ्ट दे दिया है इंडिया, बट वॉज नॉट अ गिफ्ट और समथिंग. आफ्टर एनालिसिस ऑफ आर कंट्री पीपल वी फाइंड दे ऑब्वियसली टोल्ड दैट इट इज गिफ्ट टू इंडिया, इंडिया इज अ बैकवर्ड काइंड ऑफ कंट्री, हमारी वजह से इनके पास रेलवेज हैं, हमारी वजह से इनके पास यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हमारी वजह से इनके पास फैक्ट्री सिस्टम आया है, सिटीज की डेवलपमेंट लाइक कैलकटा बॉम्बे मद्रास, ये हमने बनाई हैं, ये अर्बन सेंटर्स हैं जो आज के. ठीक, लेकिन इनका इंटेंट कभी भी इंडिया को डेवलपमेंटल लेवल पे लेकर जाना नहीं था. रेलवे अगर दी, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर ट्रेड रीच ऑफ मिलिट्री, अपनी मिलिट्री की रीच बढ़ाना चाहते थे. ये सब करने के लिए इन्होंने क्या दिया, रेलवेज दिया. हाँ, वो बात अलग है कि अच्छा, दे नेवर कनेक्टेड एनी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों के लिए क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए, दे नेवर कनेक्टेड इट. ठीक है जी, अच्छा, तो फैक्ट्री सिस्टम से इन्होंने हमारे ट्रेड को, हमारे आर्टिजियंस की लाइफ को काइंड ऑफ खत्म कर दिया, बिकॉज देर वॉज नो वर्क लेफ्ट फॉर द आर्टिजियंस, बिकॉज फैक्ट्री मेड गुड्स हैं आना शुरू हो गए. अर्बन सिटीज, इनके अंदर दो तरीके के डिविजन हो गई. देर वॉज फॉर रिच क्लास के लिए सिटी अलग बन गई, और देर वॉज स्लम्स फॉर पुअर पीपल, जहां पे उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन और डेरोगेटरी कंडीशन में वो एग्जिस्ट कर रहे थे. तो ऑल दीज चेंजेस विच वर ब्रॉट डाउन बाय ब्रिटिशर्स, ऐसा नहीं है सारी चेंजेस गलत ही थी, मैनी ऑफ देम प्रूव्ड फ्रूटफुल फॉर आर फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत ही अच्छी भी रही देश के लिए, लेकिन इनका इंटेंट कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. देर आर फ्यू वी कैन से कि दे डिड समथिंग गुड, दे बैंड द सिटी,
सती को इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, चाइल्ड मैरिज वॉज बैंड बाय देम, विडो रीमैरिज के लिए रूल्स बना दिए, विडो रीमैरिज, ठीक, रेगुलेशन, तो ये रेगुलेशन इन्होंने जरूर पास की ऑन द ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आर नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी ये डिमांड थी कि ऐसी रेगुलेशन लानी चाहिए, तो इनको इन्होंने ये जरूर किया, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन सती, ऑप्शन ऑफ विडो रीमैरिज, ये सारी चीजें इन्होंने थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या की, पास जरूर की, जो इंडिया की वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक। इन द लेटर स्टेजेस दे स्टार्टेड यूजिंग डिवाइडेड रूल पॉलिसी एंड दे सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन दिस कंट्री, ठीक। एट स्टार्टिंग 1857 वॉर का इन्होंने सारा दोष एट स्टार्टिंग में इन्होंने मुस्लिम्स पे लगाया, लेट देन लेटर दे रियलाइज्ड बिकॉज मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी व्हाई नॉट टू यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, और इन्होंने मुस्लिम्स को और हिंदूज को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक। देन फर्दर ऑल रिलीजन्स को थ्रू देयर कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये क्या है हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ठीक। डिप्रेस्ड क्लासेस एज वेल एज अदर रिलीजन्स के लिए इलेक्टोरेट, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भी इंडिया के अंदर ऐसी चेंजेस लाए हमारी उस इंडियन सोसाइटी के अंदर जो आज भी क्या रखती हैं, इफेक्ट रखती हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लिविंग विद दिस हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई विल बी बैक विद लेक्चर 3 टू कंटिन्यू द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक विद सम मोर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।